हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। और दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला कि जो लोग अगली बार देखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, अभी जो मेघालय के कैंडिडेट, मेघालय के कैंडिडेट नहीं, ऑल इंडिया कैंडिडेट अभी सेमी कंडीशन हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसा कमेंट भी मुझे एक दो मिल रहा है कि पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोगों को ज़रूरत है कि नहीं, ठीक है, और किस तरह से हम लोग बनाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बताऊँगा इस वीडियो में, सो वीडियो में बन के रहना। और एडमिट कार्ड भी आप लोगों को दिखाया मैंने कल परसों, उसमें भी साफ साफ मेंशन नहीं किया हुआ है कि आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना हुआ चाहिए, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, उन्होंने मेंशन नहीं किया, अगर आप बनवा भी लेते हैं तो अच्छा है, क्योंकि वो उस टाइम में थोड़ा टाइम प्रोसेसिंग टाइम लगता है, क्योंकि बनने में, ठीक है आपकी। और तो मैं साफ साफ यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों का पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट ज़रूरत नहीं है इस ड्यूटी अग्निपथ को देखने के लिए, ठीक है। आप लोग बस अपना जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह मांगा गया वही सब लेके जाना है, पासपोर्ट साइज फोटो, फोटोग्राफ कितना लेके जाना है वो भी सब मेंशन किया हुआ था, वैसे ही सब कुछ पढ़ के आप लोग को लेके जाना है, ठीक है। और एक आईडी प्रूफ ज़रूर लेके जाना, ठीक है। तो कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि आप लोग का मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट ज़रूरत है कि नहीं, ठीक है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है उसके बारे में भी थोड़ा मैं बता देता हूँ, वो तभी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसके बना है तो अच्छा है, और जिसके नहीं बना है तो भी अप्लाई ज़रूर कर लेना, और जो भी रेफरेंस नंबर आप लोग को मिल जाता है वो लेके जाना है, ठीक है, जो भी हम लोग रिसीव बोल के बोलते हैं, ठीक है। और अगर अगर जल्दी से हो जाएगा तो अच्छा है, तो बनवा लेना है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है डोमिसाइल के बारे में। और जो भी रेसिडेंसी सर्टिफिकेट आप लोग क्या क्या आता है, वोटर आईडी कार्ड वगैरह वो भी सब भी ले सकते हैं, ठीक है, रेशन कार्ड वगैरह भी ले सकते हैं आप रेसिडेंसी प्रूफ के लिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और भी अगर कुछ भी अगर आधा डाउटफुल रह गया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।